अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाएं तथा बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने माँ बाप तथा इलाके का नाम रोशन करें। नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में आम जन आगे आकर के अग्रणी भूमिका निभाएं तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि नशा समाज से पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। अपने लक्ष्य का निर्धारण कर कड़ी मेहनत के बलबूते पर अपनी मंजिल प्राप्त करने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की कोशिश करें। ये बातें जिला पुलिस कप्तान अधीक्षक विक्रांत भूषण ने अपने जिला गांव धिकतानिया में आयोजित खेल प्रतियोगिता तथा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्त किए। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित युवाओं से आह्वान किया कि नीरज चोपड़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानकर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब जिला पुलिस सभी गाँव में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ेगी तथा समूचे जिले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाने के लिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी देगी। उन्होंने कहा कि जिला भर में युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल आदि प्रतियोगिताएँ करवाई जा रही हैं तथा इसके लिए टीमें गठित की जा रही हैं। वहीं पुलिस के जवान भी लगातार गाँवों में जाकर के युवाओं के साथ खेल गतिविधियों में भाग लेकर उन्हें नशे से दूर करने का संदेश दे रहे हैं, जो कि काफी सार्थक साबित हो रहा है। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। जिला का जो कॉमन एनिमी है वो ड्रग्स है। इस द्वारा जिला पुलिस द्वारा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, जैसे एनफोर्समेंट का हम काम कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, साथ में अवेयरनेस। पर ये जो हमने मुहिम चलाई है इसमें हम यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो खेल की तरफ अपनी एनर्जी डाइवर्ट करें। इस संदर्भ में हमारे द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं, हैंडबॉल की, वॉलीबॉल की, कबड्डी की और क्रिकेट की। तो हमारा ये स्ट्रेटजी है कि अगले कुछ 2-3 महीनों में हम हर गांव में जाके बच्चों को मोटिवेट करें, उनके साथ खुद गेम्स खेलें, उनको इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग बताएं। जो साथ में हमारी जो पैरेलल कार्रवाई चल रही है, चाहे वो एनफोर्समेंट की पर्चे देना है, पिट एंड केस को हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। क्या मास्टर प्लान क्या है पुलिस के पास नशा तस्करों के खिलाफ? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये 3-pronged स्ट्रेटजी है। एक तो एनफोर्समेंट, जिसमें पुलिस द्वारा पर्चे दिए जाते हैं, पिट एंड डीपीएस की कार्रवाई होती है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट होती है। इस साल तकरीबन 408 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 263 पर्चे दिए हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि हमारे द्वारा 188 के पर्चे दिए जा रहे हैं, जिसमें जो कुछ सॉल्ट्स हैं जिसको अब्यूज़ कर रहे हैं ड्रग एडिक्ट्स, तो 12 पर्चे उसके हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर से हम जितनी भी केमिस्ट शॉप है उनके भी स्टॉक रजिस्टर चेक करवा के 20 से 22 दुकानें इस बार सील भी करवाई हैं। साथ में जो रिहैबिलिटेशन, जैसे हमारे ग्राम प्रहरी और सहायक ग्राम प्रहरी ने डाटा एकत्रित किया है ड्रग एडिक्ट्स का और ड्रग पेडलर्स का, जो ड्रग एडिक्ट्स की संख्या है उसमें तकरीबन 100 ड्रग एडिक्ट्स की हमने डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करवा दिए, और वो पुलिस द्वारा ही बच्चे डी एडिक्शन सेंटर्स लेके हम गए थे और उन पर हम कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग रख रहे हैं ताकि वो रिलैप्स ना करें। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कार्रवाई एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनफोर्समेंट एजेंसी की है वो है पर्चे देना एनडीपीएस एक्ट में। यहाँ जो पिट एनडीपीएस की कार्रवाई हुई जिसमें हम ड्रग पेडलर को डिटेन करते हैं एक साल के लिए, तो 10 पिट एनडीपीएस के प्रपोजल हमारे द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, 4 भेज दिए गए हैं, 4 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूव हो गए हैं, 1 का डिटेंशन ऑर्डर आ चुका है। देखिए, युवाओं का मैसेज यही है कि आप अपनी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट करो पढ़ाई की तरफ, खेल कूद की तरफ, और ये जो नशा है इसमें आपको धाकड़ भरना है। जैसे स्टेट एक्शन प्लान में उनको एक प्रोग्राम है जिसमें वो धाकड़ खिलाए जाते हैं, वो समाज को अवेयर करें, वो हमारे खुद सहयोग करें ताकि इस लड़ाई में हम बढ़ चढ़ कर सफल हो पाए। देखिए कि जो इंटरस्टेट नाकाज लगे गए थे, जैसे MP राजस्थान से पॉपी हस्क और हफीम आती हैं, अगर हम पिछले 50 दिन की बात करें तो काफ़ी कम इंटरस्टेट सप्लाई है। कल एलनाबाद में 1-2 किलो हफीम का पर्चा दिया है, तो वी आर अवेयर जो भी टेक्निकल सर्विलेंस में लेना होता है, जो भी 27A के मुलजिम हैं, जैसे आज ऑपरेशन आक्रमण था, हमने 27A के मुलजिम जो कि इंटरस्टेट सप्लायर है उनको पकड़ने की एक हमने स्ट्रेटजी बनाई है जिसके रिजल्ट आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर आयोजित करवाई गई है, सबसे पहले तो SP साहब का धन्यवाद करूँगा अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे मैदान में पहुँचे, तो और सभी आपका
पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। बस हमारी तो पहले दिन से, जब से हमने शपथ ली थी तब से खेल को ही बढ़ावा देने हमारा प्रथम उद्देश्य रहा है। उसके अवैध में हमने 5-6 टूर्नामेंट करवा दिए, 2-3 कबड्डी के, आप भी शायद उसमें शामिल थे। और आगे जो खेल होते हैं इससे कितना फायदा होता है? खेल से बहुत बड़ा फायदा है जी। खेल से हमारे गांव में कम से कम क्रिकेट के 20 खिलाड़ी थे, जिसमें हम 4 ही खिलाड़ी बचे हैं। 16-17 नौकरी आज कर रहे हैं और एक भी बिल्कुल होता है जी। हमारे बुजुर्ग शराब पीते थे, मैं आपको बता दूं, और हमने बीड़ी भी नहीं पी। तो खेल से जुड़ने से ही हमें वो चीज़ का हमारे ध्यान में आया, अभी नशा नहीं करना चाहिए। नशा आदमी को ख़त्म करता है, उसका स्टैमिना ख़त्म हो जाए, वो खेलने के लायक नहीं रहता। तो हम तो खेल को ही बढ़ावा देते हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी की टूर्नामेंट भी हमने कराई और क्रिकेट की करवाई और अब भी करवाएं।